हेलो, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रटेल विद एकता। तो हम क्लास ट्वेल्थ का यूनिट टू कर रहे हैं, दैट इज़ कस्टमर लॉयल्टी। इसमें इससे पहले के वीडियोस में हम कर चुके हैं कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं और एक अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। आज हम करेंगे बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। तो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो आज हम जो लाभ कर रहे हैं, फ़ायदे कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर रिटेलर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम चलाता है तो उससे एक रिटेलर को क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो टाइम ख़राब ना करते हुए लेट स्टार्ट। तो रिटेलर जब भी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम करता है, कोई भी इनिशिएटिव लेता है, नया लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट करता है, तो एक रिटेलर को अनेक लाभ होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज़ कस्टमर बिकम लॉयल। अगर हम कस्टमर को लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत कोई छूट देते हैं, जैसे कि डिस्काउंट दिया, फ्री गिफ्ट दिया, या कोई कार्ड बना कर दिया, या कोई भी हमने तरीका यूज़ किया लॉयल्टी प्रोग्राम का, तो हमारे कस्टमर उससे लॉयल बनते हैं, हमारे कस्टमर उससे वफादार बनते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे स्टोर में आने से फ़ायदा मिल रहा है, कुछ छूट मिल रही है, तो वो हमारे वफादार कस्टमर बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप विद कस्टमर। एक अच्छे लॉयल्टी प्रोग्राम के द्वारा हम कस्टमर से अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर हम कस्टमर को अच्छी सेवाएं देंगे, अच्छी छूट देंगे, सही कीमतों पर वस्तु देंगे, तो उससे हम अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट इज़ इंक्रीज्ड सेल, यानी कि सेल में वृद्धि। जब हम कस्टमर को छूट देंगे, लॉयल्टी प्रोग्राम के फ़ायदे देंगे, तो उससे हमारी सेल में भी वृद्धि होती है। तो जब सेल बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी, तो क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे, एक रिटेलर के लाभ में भी वृद्धि होती है। ठीक है। एंड टू मोर पॉइंट्स आर, फर्स्ट इज रिड्यूस्ड कॉस्ट। रिड्यूस्ड कॉस्ट मतलब लागतों में कमी। लॉयल्टी प्रोग्राम चलाने से हमारी लागतें कम हो जाती हैं। अब लागतें कम कैसे होती हैं? देखो बेटा, लॉयल्टी प्रोग्राम में वैसे तो हम डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, तो उससे कंपनी के खर्चे बढ़ने चाहिए, लेकिन हमारी लागतें कम क्यों होती हैं? देखो, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम अपनी सेल बढ़ाने के लिए न्यू कस्टमर को ढूंढें, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करें, या फिर हम जो पहले के कस्टमर हैं उसको लॉयल्टी प्रोग्राम चला के उसको लॉयल बनाएं। तो न्यू कस्टमर ढूंढना ज़्यादा महंगा है और जो कस्टमर पहले से आ रहे हैं उनको लॉयल बनाना ज़्यादा आसान है। तो लॉयल्टी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, जो कस्टमर पहले से आ रहे हैं हमें उनको लॉयल बनाना है, नए कस्टमर को ढूंढने की लागत हमें कम पड़ेगी। तो इसलिए हमें क्या, हमारे क्या होती है, लागतों में कमी, क्योंकि हमें नए कस्टमर ढूंढने की बजाय हम पुराने कस्टमर को ही लॉयल बनाते हैं, जो कि अधिक खर्चीला नहीं होता। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ ऑफ बिजनेस। लॉयल्टी प्रोग्राम चलाने से देखो बेटा, हमारी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ने से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, हमारे लाभ बढ़ेगा, तो हमारा बिज़नेस तो अपने आप विकास करेगा, है ना। हमारी आय बढ़ जाएगी, हमारी सेल बढ़ जाएगी, लागतें कम हो जाएंगी, तो हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा, हमारे बिज़नेस की ग्रोथ होगी। तो ये थे एक अच्छे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के रिटेलर को मिलने वाले लाभ। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।